सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो लीजिए, मैंने चने बनाने के लिए मैंने ये काले चने भिगो दिए थे, करीब पूरी रात में भिगो दिए हैं। और इसको हम एक बार पानी बदल के इसको कुकर में दो सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लेना है। और देखिए अच्छे से भीग गए। तो लीजिए, मैंने चने को अच्छे से धुल के इसको हमने कुकर में रख दिया है। थोड़ा भी पानी डाला इसमें, और ये हमारा करीब 250 ग्राम चने थे, तो जिसमें मैंने आधा एक ग्लास पानी डाल के इसको चढ़ा देंगे और दो सीटी आने तक इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और देखिए मैंने सीटी लगा के चने अच्छे से बॉयल कर लिए हैं, और अच्छे से देखिए बॉयल भी हो गए। और इसका पानी जो है वो हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए बना लें काले चने। और देखिए काले चने मसालेदार बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तो मैंने करीब एक बड़ा चम्मच डाला है। और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरे को भी हल्का सा पका लेंगे। संग में डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, जैसे आप तीखा खाया था। बस हमें इतना ही पकाना है, और बाकी हम इसमें चने डाल देंगे। और ये हम इसमें पानी जो है हमने पानी भी डाल दिया इसमें, और इसको हमें इसी में पकाना है। और इसमें हम कुछ मसाले, जैसे हम धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे करीब हम 2 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी आमचूर पाउडर लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें हम जीरा पाउडर लेंगे। और इसको चलाते हुए तेज आंच पे इसको हम पकाएंगे, क्योंकि चना हमारा पहले से पका हुआ है। तो इसको हम अच्छे से इसको ऐसे खुला ही पकाएंगे, और उसके बाद हमारी वाइफ इसके संग बनाएंगी सूजी का हलवा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चने, और देखिए इसमें बॉयल अच्छे से आ गया है। अब इसका सारा पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है, और इसके संग सूजी का हलवा बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये हमारे मसालेदार चने बन रहे हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम चने बॉयल किए हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो इसी तरह आपको नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। अब इसमें हम करीब 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, जैसे आप नमक कम या ज्यादा खाना चाहते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और देखिए इसका सारा पानी अच्छे से सूख गया है, और हमारे चने भी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मसालेदार ये चने हमारे। अब इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और उसको 1 मिनट तक उसको थोड़ा सा और हम चलाएंगे, और बिल्कुल हमारे ये टेस्टी चने हमारे बन के तैयार हैं। और देखिए हमारे चने बन के तैयार है, उसको निकाल लेंगे। और इसके बाद इसके संग सूजी लीजिए। मैंने चने को एक बर्तन में निकाल दिया है, और दूसरी तरफ हलवा बनने के लिए तैयार है।
और हलवा बनाने के लिए कढ़ाई रख दी गई है, और कड़वा हलवा हमारी वाइफ बना रही हैं, और जो बहुत ही बढ़िया बनाती हैं हलवा, तो ये सूजी का हलवा और चने दोनों बनके भी तैयार होंगे। अब हम हलवा बनाने के लिए इसमें देसी घी डाल रहे हैं, और देसी घी करीबन हमारा एक कटोरी है। अगर आप देसी घी ना डालना चाहें तो इसमें सनफ्लावर भी डाल सकती हैं। घी देखिए हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम करीबन एक कप सूजी हमारी डाल रहे हैं। और कुछ धीमी धीमी आते हम भूनेंगे, और वैसे तो हम नवरात्र में कन्याओं को दही दिल भी खिलाते हैं, मगर इस समय लॉकडाउन के जरिए सब दुकानें बंद हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम चना और हलवा ही का भोग लगा दे माता रानी को और कन्याओं को। माता रानी का वैसे तो माता रानी का असली भोग हलवा चना और पूरी है, मगर हम हमेशा दही जलेबी लगाते थे। देखिए इसे हम गोल्डन होने तक भूनेंगे, सुनहरी हो जाइए ना हलवा कच्चा रह जाता है। देखिए हमको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये भूनने लगी है। और मेवे को भी हम इसी में डाल देंगे, हम अलग से नहीं भून रहे हैं, और सारे मेवे इसी में अच्छे से भून जाएंगे। सूजी भी लमसम हमारी भून चुकी है, थोड़ा सा बस और इसको भूनना है। ये देखिए हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, और चीनी हम उतनी लेने जितनी हमने सूजी ली थी, तो उसको डाल के थोड़ा ही सा हम भूनेंगे। देखिए चीनी भी मिल गई है इसमें, और करीबन हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे हम। ये देखिए, और फिर धीमी धीमी आंच पे हम पकाएंगे। और वैसे तो हर नवरात्र में बड़ी धूमधाम रहती थी, मगर इस समय लॉकडाउन की वजह से सभी जगह सन्नाटा है, कन्या किसी के खाने में भेजी जा रही है, और हम भी अपने घर में किसी कन्या बुला नहीं रहे हैं। माता रानी को घर में भोग लगा देंगे, और जो दक्षिणा होगी वो बाद में हम किसी जगह दे देंगे, जो कि किसी के सहयोग में काम आ जाएगी। और हमारा देखिए हलवा चना इधर पक रहा है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हलवा देखिए पकने लगा है, और देखिए गाढ़ा होने लगा धीरे धीरे, और इसमें हमने ज्यादा पानी नहीं डाला है। और ये देखिए, और अगर आप पानी ना डालें तो इसमें दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और चना पहले ही बन चुका है, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया है, और अब इसको हम भोग लगाने के लिए निकालते हैं। तो लीजिए काले चने मसाले वाले, और ये सूजी का हलवा बनकर तैयार है, और इसको पहले सबसे पहले हम लोग भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप भी इसी तरह बनाएं, जब भी आपको खाने का मन हो, ये नहीं कि आप प्रसाद ही बना कैसे खाएं, जब भी खाने का मन हो तो इस तरह चने और हलवा बनाएं, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, और सच में प्रसाद तो खाने का अलग ही मजा है, मगर आप इस तरह भी बनाएं इसको, और इसी तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। तो आज हमारी वाइफ ने और मैंने मिलकर यह प्रसाद बनाया है,
तो फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।